बेमेतरा जिले के बेसिक स्कूल ग्राउंड में 15 अगस्त को आयोजित किए जाने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम के तहत समारोह स्थल का जायजा लेने कलेक्टर पदम से एल्मा और पुलिस अधीक्षक भावना स्कूल ग्राउंड पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर ने वाटरप्रूफ टेंट व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, मंच व्यवस्था सहित परेड की व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए ग्राउंड का निरीक्षण किया, जिसमें चारों ओर से बैरिकेड लगाकर कड़ी सुरक्षा रखने निर्देशित किया। साथ ही परेड कमांडर से परेड की पूर्ण रूप से तैयारी कर लेने की बात कही। उन्होंने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 13 अगस्त को रिहर्सल किया गया। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने तैयारियों में लगे अधिकारियों को बताया कि इस वर्ष बड़ा समारोह का आयोजन, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं का सांस्कृतिक कार्यक्रम, एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसका पूरी सक्रियता से निर्वहन भी किया जा रहा है, जिस सुरक्षित रूप से कार्यक्रम संपन्न किया जा सके, इसके लिए सभी को व्यवस्था दुरुस्त रखने निर्देशित भी किया गया। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ कमलेश लीना मंडावी, अपर कलेक्टर अनिल वाजपेयी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल, अनुविभागीय अधिकारी राजेश सुरुचि सिंह, सीएमओ भूपेंद्र उपाध्याय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बता दें, मंगलवार 15 अगस्त को सुबह 9 बजे आजादी का उत्सव मनाते हुए जिला मुख्यालय बेमेतरा के ऐतिहासिक बेसिक स्कूल मैदान में रविंद्र चौबे शिक्षा मंत्री द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन भी किया जाएगा। तैयारियों को लेकर इस तरह की जानकारी कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने दी। हम लोग पूरी कार्यक्रम की ड्रेस रिहर्सल कराते हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई हमी न रह जाए, और हम पूरे जिलेवासी 15 अगस्त का जो राष्ट्रीय त्यौहार है उसको हर्षोल्लास से मनाएं। इसी कड़ी में आज हम लोगों ने यहाँ पर पूरी कार्यक्रम का मिनट टू मिनट रिहर्सल किया है, और इसमें किसी प्रकार भी कोई हमको लगता है कि इसमें संशोधन करना है या दिक्कत है या कुछ कहीं पर किसी हमारे आयोजकों को कठिनाई आ रही है, तो उसको निराकरण करते हैं। और आज हमने एक काम पूरा किया है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का साझा में कृषक सम्मेलन है, उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद पुनः हम यहाँ पर समीक्षा करेंगे, और 15 अगस्त को पूरे हर्षोल्लास से पूरे जिलेवासी मिलकर हम यहाँ पर मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस की सबसे पहले हमारे पूरे शहरवासियों को अग्रिम बधाई। और आज जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे फाइनल रिहर्सल यहाँ परेड ग्राउंड में किया गया है, और जो परेड के रिलेटेड बेसिक अरेंजमेंट्स हैं उसके विषय में सभी को ब्रीफ किया गया है, किस तरह से यहाँ पे पुलिसिया अरेंजमेंट, ट्रैफिक अरेंजमेंट कैसे रहेंगे, उसके लिए पूरी टीम को ब्रीफ किया गया है। एक लंबा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, तो बच्चों का उत्साह देखे हमको भी उत्साह मिल रहा है। मैं सभी बच्चों को भी बहुत बधाई देती हूँ इतनी अच्छी प्रिपरेशन के लिए, और पुलिस सिक्योरिटी अरेंजमेंट इंडिपेंडेंस डे के हिसाब से पुलिस बल तैनात किया जाएगा, और आशा करते हैं कि सभी लोगों को फिर से जो है स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। बहरहाल आज़ादी का पर्व उत्साह से मनाने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट।